दुकानदारी में तो कंपटीशन आपने सुना ही होगा, राजनीति के कंपटीशन को आप अलग नज़रिए से देख सकते हैं। कंपटीशन ज़बरदस्त होता है राजनीति में, एक दूसरे को मात देने का और आगे निकलने का। ऐसा सिर्फ विरोधियों में नहीं होता है, साथियों में भी होता है। साथियों में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है और इसके लिए हर वो प्रयास किए जाते हैं। अचानक आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से अपने आप को सजाने संवारने और मजबूत करने में लग गई है। इसकी सजावट में जो जो चीज़ें कम हो रही थी उन सारी चीज़ों को जुटाना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया था। आपने देखा कि शुरुआती क्षण में उन्होंने लौकुश समीकरण को साधने के लिए एक कुशवाहा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दूसरे एक लौ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार का ये प्रयोग सफल होते होते रह गया। इसके सबसे बड़े कारण थे कि नीतीश कुमार तो खुद थे ही लौ, उन्हें कुशवाहा को जुटानी थी, ये बात वो समझ चुके थे। और जैसे ही वो ये बात समझे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को एन केन प्रकारे ना दिन रात की मेहनत से अपने दल में वापस बुला लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग में वो हर कैच लपकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, धुआंधार बैटिंग भी करना शुरू कर चुके हैं। अब उन्होंने साफ तौर पे संकेत में ही कही है, इशारों में ही कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है और उनका साथ दे रहे हैं वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह के साथ उन्होंने सुर में सुर मिलाते हुए, आपको पता है कि इससे पहले ललन सिंह के अध्यक्ष बनने से पहले दोनों की मुलाकात बंद कमरे में हुई थी और दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से कल दोनों एक ही मंच से एक दूसरे की पुरानी दोस्ती का हवाला दिया, कर्पूरी ठाकुर की पार्टी में एक साथ काम शुरू किया था, ये बातें ललन सिंह ने कही। और इन्हीं बातों को कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे कहिए तो चैलेंज कर दिया कि जदयू नंबर वन पार्टी बनेगी और हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप सब भाइयों, पुत्रों और विद्यार्थी बंधुओं, सबसे पहले मैं श्री भगवान सिंह जी घर वापसी हुई है, उस वापसी के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। देखिए इनके लिए हेलो भैया, कोई नई जगह नहीं है, पार्टी के संघर्ष के दिनों के साथ ही भगवान बाबू रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें हुई बीच में जिसके चलते इनकी सेवा पार्टी को नहीं मिल पाई पिछले दिनों, जब मैं भी इस मंच पर पार्टी में फिर से वापसी घोषणा कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते रहा था, उस वक्त हमने भी कहा था कि फिर से जनता दल यूनाइटेड को नंबर वन की पार्टी के हाथ में लगाने का काम है। संकल्प को लेकर हम बिहार भर में घूमते हैं, हर जगह मीडिया के बंधु सवाल करते हैं, क्या कमी थी जिसके चलते पार्टी पीछे हो गई, आपने संकल्प लिया नंबर वन की पार्टी फिर से बनाएंगे, क्या कमी थी उसका विश्लेषण हर जगह बहुत विस्तार से करने की जरूरत नहीं है, आज भी इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो कमी थी बारी बारी से उन कमियों को पार्टी पूरा कर रही है और भगवान बाबू का आना उसी दिशा में कारवा आगे बढ़ रहा है और जितनी कमी जहां से रह गई थी उन तमाम कमियों को आगे आने वाले दिनों में और दुरुस्त किया जाएगा। अब तो हम सब लोगों के लिए और खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह के सामने हम उपस्थित है,
दुश्मन के पार्टी के विरोध में है, विपक्ष के लोग उनकी ओर से कोशिश होती है हमारे बीच हमारे नेता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।